हमारे इतिहास में कई ऐसे राजा हुए जिन्हें हमारे इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिली, मगर इन वीर सपूतों ने बड़े बड़े सुल्तानों को अपनी जूती की नोक पर रखा। इन्हीं में से एक थे राणा राज सिंह, जिन्होंने अपनी पराक्रम और शौर्य से मुगल बादशाह औरंगजेब की नींदें उड़ा दी थी। कुछ ही सालों में लगने लगा था कि मानो वीर महाराणा प्रताप का पुनर्जन्म हुआ हो। वही अरावली की पहाड़ियाँ, वही भील, वही छापामार युद्ध नीति और प्रतापशाही शौर्य था। तो आइए आकर्षित हिस्ट्री वाला के साथ जानते हैं महाराणा प्रताप के परपौत्र राणा राज सिंह की गौरव गाथा को। यह बात है 24 सितंबर 1629 की, जब महाराणा जगत सिंह के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। नाम रखा गया कुंवर राज सिंह। ईस्वी सन 1615 में मेवाड़ संधि के तहत यह तय हुआ था कि मेवाड़ी राणा द्वारा चित्तौड़ के किले की मरम्मत नहीं करवाई जाएगी, परंतु 1652 में राज्य अभिषेक होने के साथ ही महाराणा राज सिंह ने अपने पुरखों की धरोहर चित्तौड़ को न केवल जीता बल्कि उसकी मरम्मत का कार्य भी शुरू करवा दिया। 3 जुलाई 1658 में शाहजहां के बीमार पड़ने के बाद औरंगजेब अपने भाइयों से युद्ध जीतकर मुगलिया सल्तनत का बादशाह बन बैठा। जयपुर नरेश जयसिंह और मारवाड़ नरेश जसवंत सिंह के निधन के बाद औरंगजेब निश्चिंत होकर बेखौफ बेलगाम हिंदू विरोधी फैसले लेने लगा। उसने फिर से जजिया कर लागू कर दिया। इस बात से मेवाड़ के महाराणा राज सिंह औरंगजेब से काफी नाराज हो उठे। उन्होंने कड़े शब्दों में औरंगजेब को एक पत्र लिखा कि अगर दिल्ली का कोई सिपाही मेवाड़ में जजिया कर वसूलने आया तो मारा जाएगा। अगर मैंने सूर्यवंशी पग बांध कर तेरे विरोधियों से हाथ मिला लिया तो दिल्ली का पाया तख्त हिलाने में वक्त नहीं लगेगा। इस तरह राणा के छत्र तले मेवाड़ से एक तिनका का भी जजिया कर नहीं वसूला गया। इस पर छत्रपति शिवाजी ने ताना मारते हुए औरंगजेब को पत्र लिखा कि क्या औरंगजेब सिर्फ निहत्ते हिंदुओं पर वार चलाएगा? क्या उसमें इतनी हिम्मत है कि वह मेवाड़ के राणा से जजिया कर वसूल सके? दक्कन में भी अगर तेरी सेनाएं जजिया कर वसूलने आई तो मैं भी तेरा वही हश्र करूंगा। कुछ सालों बाद औरंगजेब ने सभी हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया, जिसके बाद मुगल सेना मंदिरों को तोड़ने निकल गई। अहमदाबाद का चिंतामणि मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर व मथुरा के केशव मंदिर ध्वस्त करवा दिए गए। फिर जब मुगल सेना वृंदावन में घुसी तो वहां के प्रसिद्ध श्रीनाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया गया, जिसके बाद मंदिर के गोसाइयों ने मूर्ति लेकर समूचे भारत के राजाओं से सहायता मांगी। पर कोई भी राजा औरंगजेब से दुश्मनी नहीं मोल लेना चाहता था, किसी ने सहायता नहीं की। फिर वह मारवाड़ पहुंचे, जहां उन्हें भजन कीर्तन करने के लिए एक महल दे दिया गया। जब औरंगजेब को इस घटना के बारे में पता चला तो उसने एक आदेश जारी किया कि अगर किसी राजा ने इन गोसाइयों को शरण दिया तो उस पर चढ़ाई कर उस राज्य को खालसा घोषित कर दिया जाएगा, जिसके बाद मारवाड़ी ठिकानों ने गोसाइयों को कहीं और जाने का निवेदन किया। जब राणा राज सिंह को इस घटने का ज्ञात हुआ तो वह गोसाइयों को लेने स्वयं चले गए। उन्हें मेवाड़ में शरण दिया, वहां मंदिर बनाने को उनसे आग्रह किया और कहा, जब तक हम 100,000 राजपूतों का सर धड़ से अलग ना हो जाए तब तक औरंगजेब की सेना इस मंदिर को हाथ भी नहीं लगा सकती है। मंदिर को सिहारनाथ द्वारे पर स्थापित करवा दिया गया और इसे नाथ द्वारे के नाम से प्रसिद्ध कर दिया गया, जो आज भी वहां मौजूद है। गोसाइयों ने राणा को बताया कि औरंगजेब ने 80 प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़वा दिया है। इन सभी घटनों से क्रोधित राणा ने अपने बेटे भीम सिंह को तुरंत गुजरात के लिए रवाना कर दिया। भीम सिंह ने मुगल के अधिकार वाले गुजरात में प्रवेश करके 300 मस्जिदों को ध्वस्त कर दिया। भीम सिंह सूरत को लूटकर मालवा को विजय करता हुआ नर्मदा की धाराओं को जीतकर आगे बढ़ा और मांडव उज्जैन तथा चंदेरी तक भगवा झंडा गाड़ आया। इस घटने से औरंगजेब तिलमिला गया। वह मेवाड़ के राणा से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। मेवाड़ से दुश्मनी का मतलब था पीढ़ियां बीत जाएंगी पर मेवाड़ से दुश्मनी नहीं बीतेगी। जब औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का आदेश दिया था तब महाराणा जसवंत सिंह राठौर ने कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो समूचे राजपूताने में आपके धर्म के साथ भी यही हश्र किया जाएगा। अब वही जसवंत सिंह राठौर जीवित नहीं थे। उनके मृत्यु के बाद औरंगजेब उनके राज्य को खालसा घोषित कर मुस्लिमों को सौंप दिया और कहा, आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया। जसवंत सिंह के सेनापति वीर दुर्गादास राठौर काबुल से तुरंत वहां पहुंच आए और मुगल सत्ता के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया।
दुर्गादास राठौर जसवंत सिंह के नन्हे राजकुमार को लिए सिरोही की घाटियों में चले गए। वहां के राजा ने उन्हें तुरंत निकल जाने को कहा। उन्हें किसी राजा ने शरण नहीं दिया। महाराणा राज सिंह जो नन्हे कुंवर अजीत सिंह के मामा थे, उन्होंने मुगलों के इन शत्रुओं को मेवाड़ में शरण दे दिया। इस बात से औरंगजेब राणा राज सिंह से भयानक रूप से नाराज हो गया। उसने हमला तो नहीं किया, पर राणा को अपनी ताकत दिखाने के लिए अन्य राजपूत रियासत किशनगढ़ पर हमला कर दिया। उसकी दिल ही ख्वाहिश थी कि वहां की राजकुमारी चारुमती से उसका विवाह हो जाए, पर राजकुमारी ने राणा को पत्र भेजकर कहा, आपके सिवा पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा नहीं है जो औरंगजेब से दुश्मनी ले सके। मैं एक मुस्लिम से शादी करने से पहले जोहर करना उचित समझूंगी। मुझसे शादी कर मेरे धर्म की रक्षा करें। मुगल सेना के आते ही राणा अपनी सेनाओं को लेकर किशनगढ़ पहुंच गए। मुगल सेना को रोकने का दायित्व राणा रतन सिंह चुंडावत को सौंपा गया, जिस पर मैंने पिछला ही वीडियो बनाया है हार्डी रानी के ऊपर। राव रतन सिंह चुंडावत ने मुगल सेना को वहां से भगा दिया और राणा ने राजकुमारी चारुमती से विवाह कर उन्हें मेवाड़ ले आए। औरंगजेब अपना हाथ मसलता रह गया और पुनः दिल्ली वापस चला गया। बार बार अपनी खिल्ली उड़ते देख औरंगजेब से अब रहा ना गया। सन 1679 में उसने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। 5 लाख वाली विशाल मुगल लश्कर लेकर औरंगजेब अपनी बेगमों सहित मेवाड़ फतह करने निकल गया। 5 महीने बाद औरंगजेब ने उदयपुर में प्रवेश किया और वहां के प्रसिद्ध जगदीशपुरी मंदिर तोड़वा कर काफिरों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। इधर राणा राज सिंह कब से युद्ध की तैयारी कर ही रहे थे। उनके पास 1 लाख राजपूत सैनिक तथा भील सैनिक तथा वीर दुर्गादास राठौर की सेना भी थी। राणा ने अपने सेना के 3 भाग किए। मुगल सेना के अरावली में ना घुसने का दायित्व अपने बेटे जयसिंह को सौंपा। आमेर की ओर से बादशाह को मिलने वाली सहायता को रोकने का काम दूसरे बेटे भीम सिंह को सौंपा। वह खुद वीर दुर्गादास राठौर के साथ औरंगजेब की सेना पर आंधियों के समान टूट पड़े। सभी मोर्चे पर उन्हें विजय प्राप्त हुई। बादशाह औरंगजेब की बड़ी प्रिय कॉकेशियम बेगम बंदी बना ली गई, जिन्हें युद्ध के बाद छोड़ दिया गया। यही तो राजपूतों की खासियत होती थी, वह किसी निहत्ते पर वार नहीं करते थे। बड़ी कठिनाई से किसी प्रकार औरंगजेब अपनी जान बचाकर वहां से निकल सका। राणा की सेना ने मुगल सेना के सारे हथियार पैसे लूट लिए। मुगल सेना बिना पीछे मुड़े ही भागने लगी। राणा के बेटे भीम सिंह एक बार में ही 5-5 मुगल सैनिक को मार देते थे। वह बहुत ही वीर और प्रतापी थे। महाराणा राज सिंह की यह जीत ऐसी थी कि उनके जीवन काल में फिर कभी औरंगजेब ने उनके विरुद्ध सर ना उठा सका। जब औरंगजेब अपने जीवन में कभी राणा से जीत नहीं पाया, तो उनसे तंग आकर वह उनके भोजन में षड्यंत्र के तहत विष मिला दिया, जिससे राणा की मृत्यु हो गई।